हम इंसानों के कई पूर्वज इस धरती पर अस्तित्व में रहे, जो कि बहुत सारी परिस्थितियों मुश्किलों के कारण हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। यानी कहा जाए तो मनुष्य नर वानर प्राइमेट से संबंध रखते हैं और नर वानर स्तनधारी उन जीवों से संबंध रखते हैं जो कि पूर्ण विकसित तथा बुद्धिमान हैं। मनुष्य के साथ साथ आधुनिक बंदर तथा चिंपैंजी आदि इस वर्ग से संबंध रखते हैं। उनके शरीर पर घने बाल होते हैं। उनके दांत आधुनिक इंसानों से भिन्न कई प्रकार के होते हैं। उनके शरीर का तापमान में स्थिरता होती है। 28 से 30 लाख वर्ष पहले इन नर वानरों में से एक और समूह उत्पन्न हुआ, जिसका मनुष्य परिवार के सर्वप्रथम महामानव यानी होमिनियन कहा जाता है। इनमें वनमानुष भी सम्मिलित थे। मनुष्य तथा नर वानरों में कई समानता पाई जाती थी। आरंभिक मनुष्य के सिर बहुत छोटे होते थे तथा पीछे की ओर झुके होते थे। उनके शरीर पर घने बाल होते थे। वो बोल नहीं सकते थे, परंतु समझने योग्य ध्वनि निकाल सकते थे। वो भोजन की तलाश में जगह जगह घूमते थे। आरंभ में पशुओं की भांति चार पैरों पर चलना उनका काम था, लेकिन समय के साथ साथ सीधे पैरों पर खड़े होकर चलना सीख गए थे।